हेलो फ्रेंड्स, सुरती फूड मेनिया में आपका फिर से स्वागत है। ये हमने चिकन घी रोस्ट बनाया है। ये हमारा सुरती वर्जन है। हम सुरती कोई भी रेसिपी हो अपना तड़का डाल ही देते हैं। और थिंक कर ली, ये मैंगलोरियन डिश है तो इसमें बहुत सारा घी पड़ता है और क्या क्या और पड़ता है वो हम देख लेते हैं। तो ये डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम है, हमें धोया हुआ चिकन लिया है, एक बोन लिया है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। 500 ग्राम चिकन के साथ और क्या क्या सामग्री पड़ती है वो सब हम देख लेते हैं। और इसमें ये सुरती तड़का ये है कि हम इसमें ग्रीन चिली भी डाल देंगे। वैसे इसको एक ही बार मैरिनेशन करके रख देते हैं, फिर शाम को बना लेंगे। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन, ये 5 चम्मच भर के घी लेना है, 2 चुटकी सोडा भी ले लेंगे उसमें चिकन को गलाने के लिए, ये ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट, ये 100 ग्राम फेटा हुआ दही है, और ये 500 ग्राम चिकन में हम 50 ग्राम इसी का मसाला लेंगे, चिकन का रोस्ट मसाला। और ये मसाला आपको ना मिले तो उसकी रेसिपी इसी वीडियो में आपको दिखाई जाती है, वो देख लीजिएगा। तो 5 चम्मच भर के हमने घी डाल दिया है और इसके साथ हमने ये 2 चुटकी सोडा डाल दिया है, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट, अच्छा है तो और भी ले सकते हैं। ये 100 ग्राम दही डालेंगे और 50 ग्राम मसाला डाल देंगे। तो पूरा मसाला डालेंगे, इसमें कोई भी चीज़ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक तक हमको नहीं डालना है और यही मसाला हमने डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और हम इंडियन जब तक हाथों से कोई भी चीज़ को अपना टच ना दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये हाथों से अच्छी तरह से हमने मल लिया है। और आपको ये मसाला ना मिले तो इसके लिए ये मसाले हमने दिखा लिए है, ये जिंजर और गार्लिक लेने हैं। फिर इसके साथ सूखे मसाले में हम रेड चिली पाउडर जो कलर वाली होती है और थोड़ी तीखास भी रहती है वो मिक्स लिए है, ये हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये रोस्टेड चिकन का मसाला है और ये सूखा मसाला है सब, तो आपको बारी बारी से उसको पैन में ड्राई रोस्ट करके सब इसका मसाला पेस्ट बना लेना। तो इसके लिए स्टार एनीस, 3 कार्डमम और फेनिल ली है, ये तेज पत्ता, ये क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर है, ये 1 इंच तज का टुकड़ा है, 5-6 लौंग ली है और थोड़ा सा जायफल लिया है, और ये खसखस के दाने लिए हैं, उसको भी भिगो के पीस लेना है। और आपको खसखस ना लेनी हो तो आप मेलन के सीड भी ले सकते हैं। ये ब्लैक पेपर लिया हुआ, ये सब ड्राई रोस्ट करके आपको मसाला बना लेना है। तो ऐसा ही मसाला ये बन जाएगा और ये हमारा 4-5 घंटे मैरिनेशन किया और फ्रीज में रखा हुआ मैरिनेशन चिकन है हमारा। अब इसे हम बनाने की शुरुआत करेंगे। तो ये पैन ले लिया है हमने, इसे ग्रीस घी से हम अच्छी तरह से खाली ग्रीस कर लेना है क्योंकि मैरिनेशन में हमने ऑलरेडी घी डाल ही दिया था, तो ये घी से ग्रीस कर लेंगे। और ये पूरा चिकन हम पैन में ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे तो इसका घी अपने आप ही अलग होने लगेगा और चिकन भूनने लगेगा। और इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है
रोस्ट कर लेना है। तो फ्लेम हमने कम कर लिया और इसे ढक कर, और ये जो जिसमें मैरिनेशन किया उसका मसाला वेस्ट नहीं हो तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसमें डाल दिया है, और इसे ढक कर 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भून लेना है। तो ये हमारा चिकन बनने लगा है, ये आप देख रहे हैं, ये घी अलग होने लगा है। तो 5 मिनट बाद ये हमारा चिकन बन के तैयार होने वाला है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू के लिए फूड मेनिया में ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका बेल बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा चिकन बटके तैयार है, इसको नींबू के वेजीज के साथ एंजॉय कीजिए, और बना के ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।